एलवन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं HPSL और ये टूर्नामेंट जो हो रहा है बसंतपुर के नज़दीक रियोग घाट रियोग बाग और मैच होने जा रहा है दुदली और हरिओम मशोबरा के दरमियान, तो थोड़ी देर में आपके सामने। सलामी बल्लेबाज यहां पे आ चुके हैं बंटी और सचिन, और ये पहली बॉल सुमित वर्मा के द्वारा और डॉट बॉल यहां पर आगाज़ हो चुका है इस मैच का। अगली मरतबा सुमित सहगल, इस बार फिर से अंदर आया बॉल और बैट्समैन को चकाती हुई ये गेंद। स्ट्राइक पे आ गए हैं सचिन, बहुत ही सुलझे हुए बल्लेबाज हैं ये। ये देखिए यहाँ पर कैच का मौका था लेकिन कीपर थोड़े दूर रह गए, कीपर को चकाती हुई गेंद। इस बार ऊपर खिलाया गेंद और उठाकर खेल दिया है उसे एम्पायर का इशारा, 6 रन। पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 7 रन। दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं देवेंदर, और इस बार उठाकर खेल दिया है सामने हवा में 6 रनों के लिए। नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड में ही है अभी। यहाँ पर रन आउट की भी अपील थी लेकिन ये चले अगली मरतबा। इस बार अंदर खिलाया गेंद, बल्लेबाज ने रक्षात्मक तरीके से खेला लिए, जो कि दो बड़े बड़े हिट्स लगा चुके हैं। इस बार फिर से उठाकर खेला है लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है, तो 1 रन पूरा कर लिया है इसी बीच। चले इस बार पटकी हुई गेंद उसे उठाकर यहाँ मैदान में, और यहाँ पर बाउंड्री पर कैच ड्रॉप हो चुका है, 6 रन का इशारा यहाँ पर। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। तीसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में है गौरव, सामने है सचिन, गौरव सचिन के लिए। इस बार बाहर खिलाया है गेंद लेकिन पीछे 3-3 फील्डर, और देखते हैं इसमें से कौन लपक पाएगा, कोई भी नहीं, और ये देखिए मिस फील्ड और 4 रन। 3 खिलाड़ियों के बीचों बीच यहां पर मिस फील्ड हुआ है और एक कैच भी छूटा है और बड़े खिलाड़ी का कैच ड्रॉप किया है, तो खामियाजा मुझे लगता है काफी महंगा साबित हो सकता है। और यहाँ देखिए यहाँ कैच का मौका था लेकिन कीपर ने मुंह ही फेर लिया, अपना चेहरा ही छुपा लिया। यहाँ पर कैच, फिर से लगातार जीवन दान मिल रहे हैं बल्लेबाज को। ये चले गौरव बंटी के लिए, इस बार उठाकर खेला है पीछे, देखते हैं फील्डर मौजूद है या नहीं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर रनिंग जारी और एम्पायर का इशारा शायद आ चुका है। जी नहीं, 1 रन ही दिया गया है। मुश्किलें हो रही है फील्डिंग में, इस बार सामने खेला है, दिखाई भी नहीं दिया है, और पीछे फील्डर तो, और ये एक आसान सा कैच, और यहाँ पर पहले विकेट का नुकसान हो चुका है बंटी के रूप में। कैच पकड़ा है सुमित सहगल ने और सफलता मिली है गौरव को। इस खिलाड़ी के ऊपर दारमदार काफ़ी रहेगा क्योंकि बहुत ही सदे हुए बल्लेबाज हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला में बहुत नाम है इस खिलाड़ी का, और अभी प्रो HPCL में भी शायद ये शिरकत ज़रूर करेंगे किसी ना किसी टीम में, जहाँ तक हमें पता चला है। शायद अभी कुछ दिनों पहले ही ऑक्शन हुई है, तो थोड़ी देर में ज़रूर हम पता करेंगे इस बारे में। 3 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर जा पहुँचा है 24 रन। चौथा ओवर लेके आ रहे हैं सुमित सहगल, बल्लेबाजी में स्थान लेने आए हैं रंजन। इस बार काफ़ी अच्छी गेंद, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद लेकिन यहां पर फिर से इसी बीच एक और बाउंड्री आ चुकी है, 6 रन। तो स्कोर में इजाफा लगातार जारी है, जब तक ये बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है रनों में कमी नहीं देखने को मिल सकती। इस बार सामने खेला है, फील्डर मौजूद है लेकिन 1 रन जरूर पूरा कर लेंगे आसानी से, और उठाकर खेलने का प्रयास, और यहाँ जोरदार अपील, और लेकिन यहाँ पर एम्पायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है, लेकिन बैट्समैन खुद ही मान चुके हैं कि वो आउट है।
और बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं रंजन। रंजन के बाद बल्लेबाजी में आए हैं अजय, लेकिन सामने सफल गेंदबाज सुमित सहगल, चले अजय के लिए। इस बार बीचों बीच खिलाया है विकेटों के बॉल, लेकिन उसे जितने रक्षात्मक तरीके से रोका है और एक रन भी जुड़ाया है। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, तो इस ग्राउंड के मुताबिक ये स्कोर काफ़ी सुरक्षित माना जा सकता है। चले अगली मरतबा, इस बार काफ़ी अच्छी गेंद एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। आगे आकर खेला है, काफ़ी शानदार कवर ड्राइव का प्रयास था, एक रन जरूर ले लेंगे, उतनी अच्छी फील्डिंग मिस्टर सुरेश के द्वारा। सामने है अजय और यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही है अजय के लिए, और यहाँ काफ़ी अच्छी फील्डिंग, थ्रो काफ़ी तेज आया था लेकिन सचिन सुरक्षित पहुँच गए थे तब तक, तो इसी बीच एक रन भी पूरा कर लिया है। इस बार चैंपियन रह चुकी है, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास था लेकिन थोड़ा सा इनसाइड एज यहाँ पर, जब तक फील्डर आएंगे एक रन ज़रूर पूरा कर लिया है। इस बार उठाकर खेला है, सामने फील्डर जरूर थे और दो रन इसी बीच पूरे कर लिए हैं। पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 38 रन। अगला ओवर लेके आए हैं दी, यहाँ पर देवेंद्र, बॉल हवा में पीछे फील्डर, और यहाँ पर बड़ी मछली का शिकार हो चुका है। तो लगातार स्ट्राइक रोटेट और रन में भी स्कोर में भी इजाफा हो रहा था इस खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन देवेंद्र ने छकाया इस बल्लेबाज को। अब वापस जाते हुए देखते हैं इनका स्थान लेने कौन से खिलाड़ी आएंगे, कौन वो बल्लेबाज होगा जो इस बल्लेबाज की कमी को पूरा करेगा। ये चले देवेंद्र अगली मर्तबा, सामने उठाकर खेला है लेकिन बहुत दूर, बहुत ही दूर, जिसे कहते हैं बहुत दूर, तो आते ही एक बड़ा हिट जड़ दिया इस बल्लेबाज ने। सातवां ओवर लेके आ रहे हैं विनू दीवान, ये चले हल्के हल्के कदमों से अजय के लिए, और लेग स्टंप से छूटती हुई बॉल वाइड। चले अगली मरतबा, इस बार रक्षात्मक रूप से रोका और एक रन भी अर्जित कर लिया। इसी बीच 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है टीम इस ओवर की शुरुआत में ही। चले अगली मरतबा, इस बार कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन एक रन लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराना। इस बार उठाकर खेला है और पीछे ध्यान देना होगा जब तक वहां पर इशारा, अंपायर का इशारा ना, बाकी दौड़कर दो रन तो पूरे कर लिए हैं। इशारा लाइनमैन का इशारा आ चुका है और अंपायर एक दूसरे से अभी सुलह कर रहे हैं, देखते हैं। अंपायर का इशारा आ चुका है, 6 रन। इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, पीछे फील्डर मौजूद नहीं, और यहां पर जब तक फील्डर आएंगे एक रन जरूर पूरा कर लिया है। 7 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 59 रन। अब 3 ओवर शेष हैं और गेंद थमाई गई है अमित को अजय के लिए। इस बार उठाकर खेल दिया है, पीछे फील्डर तो मौजूद है लेकिन एक रन जरूर पूरा कर लिया है। ये चले अमित, और यहाँ पर हल्का सा संपर्क जरूर हुआ है बल्ले और गेंद का, एक रन जरूर मिल जाएगा। अज्जू ने उठाकर खेल दिया है, बीचों बीच खिलाड़ी 2-3 मौजूद, हाँ ना मैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन विकी ने थोड़ी सी पनिशमेंट जरूर दी अपने बड़े भाई को और कैच भी जरूर पकड़ा है, और अज्जू जाएंगे पवेलियन वापस। अमित को मिलती हुई है पहली सफलता, ठीक है खिलाड़ी, और आते ही आक्रामक यहाँ पर, और पहली ही गेंद में आउट हो चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इसी बीच बल्लेबाज को वापस जाना होगा, क्योंकि अंपायर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य। तो ये चले अगली मर्तबा, अमित आगे आकर खेलने का प्रयास, यहाँ पर कीपर से थोड़ी सी गलती हुई है लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इसी बीच।
8 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 63 रन। अभी 2 ओवर शेष है इस इनिंग में। ये चले विनु दीवान नवा ओवर लेकर बल्लेबाज के लिए, 1 रन जरूर इसी बीच यहाँ पे के लिए विनु दीवान। और यहाँ पर बहुत देर के बाद वापस जाना होगा, एक आसान सा कैच कीपर के हाथों में थमा बैठे और बल्लेबाज के लिए। और सामने खेला है, 1 रन ज़रूर आसानी से पूरा कर लेंगे। 9 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 67 रन। तो 1 ओवर शेष अभी भी इनिंग में, देखते हैं इस 1 ओवर में कितने रन अर्जित कर पाएगी ये टीम। और उठाकर खेला है बल्लेबाज ने, लेकिन बॉल फील्ड में है और यहाँ पे कैच तो नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन 2 रन ज़रूर पूरे कर लिए इस खिलाड़ी ने। बल्लेबाज के लिए आगे आकर खेले हैं, 1 रन ज़रूर पूरा कर लेंगे और जब तक बॉल फील्ड होगा। 2रा रन लेना चाहते हैं लेकिन नकार दिया है साथी खिलाड़ी ने। यहाँ पर रन हो सकता था अगर थोड़ा जोखिम उठाते तो, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना होगा। ये चले और यहाँ पर उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद लेकिन उसके सर के ऊपर से तो फील्डर बने दर्शक, ये वो बात हो गई काफ़ी देर के बाद। आखिरी ओवर पंक्ति पर है, गेंदबाज है अमित। इस बार बल्लेबाज सामने निकले, 1 रन जरूर पूरा करेंगे जब तक गेंद आएगी, 2रा रन भी शायद आसानी से पूरा कर लेंगे। जी हाँ, ये चले गेंदबाज, इस बार उठाकर खेल दिया है सामने और फील्डर जरूर मौजूद हैं। कैच तो ड्रॉप हो गया है लेकिन 1 रन जरूर मिल गया है और शायद 1 गेंद अभी भी शेष है इस इनिंग की। आखिरी गेंद और बॉल हवा में, देखते हैं फिर से, और यहां पे कैच ड्रॉप हो गया है और इसी बीच 2 रन भी पूरे कर लिए हैं। तो दिल्ली की टीम ने हरिओम मशोबरा के लिए 81 रनों का टारगेट दिया है, तो कहीं जाइएगा नहीं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और कहीं जाइए नहीं, जल्द वापस आएंगे आपके बीच। तो सलामी बल्लेबाज हरिओम मशोबरा की टीम के क्रीज की ओर बढ़ते हुए, तो स्ट्राइक पर आए हैं तेपेंदर और नॉन स्ट्राइक पे है सुमित और पहला ओवर लेके आएंगे रोहित। गेंद और पहली ही गेंद वाइड और खाता खुल चुका है अतिरिक्त रन से। फिर से यहाँ पर वाइड इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन और यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो, थ्रो कितना अच्छा था यहाँ पर खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन कीपर आगे चले गए थे बॉल कलेक्ट करने, लेकिन तब तक बॉल विकेटों पे जा लगी। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 2 रन ने है सुमित सहगल और इन्होंने भी शुरुआत वाइड गेंद से की है। ये चले विनोद, पटकी हुई गेंद और यहाँ पर मौका जरूर था और मिस फील्ड हुआ यहाँ पर सीधा 4 रनों के लिए। तो कीपर की गलती काफी महंगी साबित हुई यहाँ पर सहगल के लिए, सुमित सहगल। इस बार फिर से थोड़ी सी यहाँ पर एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। जी हाँ, इस बार अच्छी गेंद लेकिन 1 रन लेने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। और अच्छी गेंदबाजी यहां पर, 1 रन थोड़ा सा जोखिम उठा और 1 रन जरूर पूरा कर लिया। जोरदार अपील लेकिन नकार दिया उसे। ओवर की समाप्ति, तो ओवर 10 रन तेपेंदर के लिए और तेपेंदर का फिर से प्रयास, बड़ा शॉट,
थोड़ी सी कमेटी के लिए अच्छी गेंद अंदर खिलाया लेकिन एक रन लेने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। फिर चले रोहित सुमित के लिए और ये बॉल यहाँ पर एक रन से कहते कि शायद मुफ्त में चला गया, अगर फील्डर होते तो एक रन भी बच जाता। इस बार फ्लाइट गेंद खिला दिया और वहां पर फील्डर मौजूद नहीं उसके, बॉल के पीछे भागते हुए और तब तक शायद दो रन आसानी से पूरे कर लिए खिलाड़ियों ने। इस बार फिर से अंदर की ओर खिलाया बॉल लेकिन इसी बीच एक रन जरूर ले लिया और खाता खुल चुका है टीम का। और ये चले इस बार उठाकर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद नहीं और शायद बाउंड्री से बाहर और एम्पायर का इशारा चार रनों का यहां पर। तीन ओवर में 18 रन जा पहुंचा है स्कोर। चौथा ओवर लेके आ रहे हैं कमलेश शर्मा। ये चले हल्के हल्के कदमों से, अच्छी गेंद, यहां पर खतरा हो सकता था। इस बार आगे निकले और यहाँ पर एक रन जरूर दौड़ के पूरा किया, बाई के रूप में एक रन आया कीपर से। इस बार अच्छी, बहुत अच्छी गेंद इस बार फिर से, फिर से अच्छी गेंद। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 23 रन। थोड़ी बहुत यहाँ पे मंत्रणा जरूर हो रही है, नए गेंदबाज का चुनाव है और बॉल थमाई गई है अज्जू को। पांच ओवर लेके आए हैं अज्जू, अच्छी गेंद और यहाँ पर मौका जरूर था लेकिन थोड़ी सी। इस बार फिर से आगे निकले लेकिन बल्ले और गेंद में बहुत जिसे गैप देखा गया है तो संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन 22 के रूप में फिर से एक रन आया है। काफी अच्छी गेंदबाजी अज्जू द्वारा और पीछे इस बार गेंद खेलने का प्रयास पूरे मौजूद है और गेंद में खेला है। फिर से हल्के कदमों के साथ शुरुआत करिए और इस बार फिर से सामने खेला है, फील्डर काफी दूर है तो एक रन आसानी से पूरा कर लिया। देखते हैं किस तरह की गेंद डालते हैं, बाउंड्रीज को रोकना होगा सफर में। आगे निकले हैं और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद। था पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 26 रन लेकिन छठे ओवर की शुरुआत, गेंदबाज है सचिन, सामने है सुमित। और सचिन जो काफी अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं इस बार फाइव्स की गति को। तो फ्री हिट बॉल देखते हैं क्या कर पाते हैं और कोई संपर्क, काफी अच्छी गति गेंदबाज के पास, एक रन जरूर यहां पे आसानी से पूरा कर लिया है। काफी देर के बाद ये एक रन बल्ले से आया है। और बहुत देर के बाद यहां पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला है, पीछे फील्डर मौजूद हैं लेकिन मात्र एक ही रन यहां पर इसी बीच पूरा किया। यहाँ पर शॉट तो जरूर खेला है, पीछे मिसफील्ड हुआ है, दूसरे खिलाड़ी जब तक बॉल वापस भेजेंगे दो रन आसानी से पूरे कर लेंगे। छह ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 31 रन। अगला ओवर लेके आए अजय और यहाँ उठाकर खेल दिया है तेपेंद्र ने, वहाँ फील्डर कैच तो नहीं लपक पाए, एक रन जरूर पूरा। और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर खिलाड़ियों में कॉम्बिनेशन की कमी, यहाँ पर नहीं तो एक झटका जरूर दे सकते थे हरिओम मशोबरा को। तेपेंद्र अब थोड़ा रन गति को तेज कर रहे हैं और वहां पर फील्डर गेंद के पीछे बस भागते रह जाएंगे। इसी बीच एक और बाउंड्री आती हुई चार रनों के रूप में, तो स्कोर में इजाफा होता हुआ अब रन गति को तेज करने की काफी जरूरत है। फिर से खेला है, उठाकर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद हैं और काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर, दो रन जरूर बचाए हैं क्योंकि दो रन दौड़कर तब तक बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए हैं। चले अजय, दीपेंद्र जो कि काफी अच्छी रन गति को बढ़ा रहे हैं और ये देखिए जहां रन
लेने का सवाल भी नहीं बनता, वहां पर दौड़कर रन पूरा कर लिया बल्लाम ने सुमित। और यहां पर कीपर थोड़े से आगे निकल गए, अन्यथा ये एक रन भी बच जाता। सातों ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना है 41 रन और जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदों में 41 रन। आठवां ओवर लेके आ रहे हैं कमलेश, सामने है सुमित और पहली ही गेंद डॉट, और यहां पर सरेंडर करके चले गए। यहां पर रोमांच की स्थिति बढ़ती जा रही है और यहाँ पर बहुत बड़ा मजाक है, यहाँ पर बल्लेबाजों के साथ बहुत ही बड़ा मजाक किया जा रहा है यहाँ पर। तो बहुत रोमांच पैदा कर दिया है इस मैच में दुदली की टीम ने। दो रन इसी बीच जरूर आसानी से पूरे कर लिए हैं। बल्लेबाज आउट होना चाहते हैं लेकिन फील्डर समझ चुके हैं कि शायद यही टीम की एक कमजोर कड़ी है, तो इसे पकड़ कर रखना है, बरकरार रखना है। और यहां पर क्लीन बोल्ड, कमलेश ने क्लीन बोल्ड कर दिया है एक अच्छे बल्लेबाज को। यहां देखिए सेलिब्रेशन है विनु दीवान। तो अब करो या मरो की स्थिति है और बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ हरिओम मशोबरा के सामने, तो देखते हैं क्या इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस स्थिति से उभार सकते हैं टीम को। काफी अच्छी, और यहाँ देखिए, और यहाँ पर कैच आउट, और यहाँ देखिए बहुत रोमांच की बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो चुकी है टीम में, और यहाँ पर वापस जरूर जाना होगा। जी हाँ, वापस जाना होगा, एक क्लीन कैच पकड़ा है। अब बल्लेबाजी में आए हैं लकी और कमलेश, जो कि दो गेंदों में दो सफलता प्राप्त कर चुके हैं। और यहाँ पर लकी ने उठाकर खेल दिया है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, जब तक शायद दौड़ कर आएंगे। दो रन पूरे कर लिए हैं, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, पहुंच गए थे, आसानी से पहुंच गए थे। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो निरंतर जारी है लेकिन इक्का दुक्का रन से रन बन रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही है। लेकिन सुमित सहगल टटे हैं, रन तो नहीं बना पा रहे लेकिन विकेटों पे जरूर मौजूद हैं। और सामने है सचिन और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यहाँ पर आउट तो नहीं किया, सुमित सहगल को आउट नहीं करेंगे। और बहुत भद्दा सा मजाक यहाँ पर बल्लेबाजों के साथ हो रहा है काफी देर से। तो सुमित सहगल जाएंगे वापस, और बल्लेबाजी में जो अब बल्लेबाज आ रहा है, काफी देर से भेजा गया है इस खिलाड़ी को विकी, तो शायद अगर इस खिलाड़ी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजते तो शायद ये कुछ मैच की स्थिति को बदल सकते थे। तो अब भाई भाई की जोड़ी मैदान पे, काफी देर से बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है विकी को, और काफी अच्छी गेंद यहाँ पे, 22 के रूप में रन जरूर मिल जाएगा। एक खराब थ्रो कीपर रंजन के द्वारा, और जहाँ एक रन भी नहीं होना था वहां दो दो रन हो गए, और यहाँ दो नहीं, यहाँ तो तीन रन लेना चाह रहे है। और विकी जिन्हें की बिना खेले ही वापस जाना होगा। बल्लेबाजी के लिए आए हैं गौरव विज, सामने है सचिन, और बहुत ही बड़ा शॉट यहां पर खेल दिया है गौरव ने, लेकिन गेंद मैदान में है, आसानी से दो रन तो दौड़कर पूरे कर लिए, तीसरा रन लेना चाहते हैं लकी। और यहां पर खराब थ्रो, मिस फील्ड, इसी बीच तीन रन पूरे कर लिए हैं। ये चले सचिन लकी के लिए, लकी ने खेल दिया है, उसे एक रन जरूर मिल जाएगा इस बीच। आठ गेंदे 29 रन, प्रयास तो
जारी है लेकिन संपर्क सही नहीं हो पा रहा है बल्ले और गेंद में। आगे निकल कर खेलने का प्रयास और रनआउट का खतरा बढ़ गया, लेकिन यह बॉल जाएगा प्लेयर घर में और इसी के साथ जो है वो विकेट मिल जाएगा। दिया वापस जाना होगा इस बार गौरव से लगने वाला है। छह गेंदे 27 रन बाजी का धीमा सौंपा जाता है। यहाँ उठाकर खेला है, पीछे फील्डिंग में है कमलेश। लकी तो आज मुजरिम बन चुके हैं, कम से कम चार बल्लेबाजों को रनआउट करवा के वापस भेज चुके हैं। इस बार उठाकर खेला है, पीछे फील्डर दौड़ कर आए हैं और कमलेश के द्वारा एक शानदार कैच। देखिए इस खिलाड़ी को, बल्लेबाजी में है अमित और काफी अच्छी गेंद यहाँ पर। तो फाइनल की टिकट वाकई में ही दुधली की टीम की पक्की हो चुकी है और यहाँ पर चार रन मिस फील्ड का मुजाहरा और बाउंड्री से बाहर चार रन। और यहाँ पर विकेट लेकर मैच को खत्म किया है विनोद ने और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है दुधली की टीम काफी बड़े रन मार्जिन से। इस मैच में जीत प्राप्त की है चौबीस रनों से। इस मैच को जीता है दुधली की टीम ने, मशोबरा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है।